रहा है? अकेला है क्या? बहुत। खाना खाएगा? आंसू से पेट भर लिया। हेलो पीपल ऑफ द इंटरनेट, गुड मॉर्निंग। वैसे तो अभी गुड मॉर्निंग है नहीं, बट ठीक है, मैं अपना ब्लॉग लेट चालू कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे हूँ अली के रूम पे, और हम जस्ट मैस जाने वाले थे, बट हमें पता चला कि मैस में कुछ ख़तरनाक सा बना है। तूरिया मसाला। क्या बना था अली? तूरिया मसाला। तूरिया मसाला बहुत अमेजिंग सब्जी है, उसकी रेसिपी बता दूँ। वो लोग बस ज़्यादा मेहनत नहीं करते, रास्ते पे जाते हैं, पत्थर उठाते हैं, उन्हें पानी में गर्म करके हमें सर्व कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमने उससे थोड़ा सा लोअर बजट में, हम उससे थोड़ा कम घटिया सब्जी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अली, मास्टर शेफ अली। अली क्या कर रहा है? यार प्याज काट रहा हूँ यार। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मास्टर शेफ विद अनवय एंड एहतिशाम। अली यहाँ पे, अली काट रहा है प्याज बहुत ही प्रिसिजन के साथ, और अली का रोके हो गया शायद टमाटर। एंड द राइट वे टू कट एक्चुअली। वो ऐसा है यार कि बहुत सारे लोग ऐसे रख के वो क्योंकि कल के शो के बाद अली आपका जो नया हेल्पर था, जो आपको कपड़े पहना रहा था, काफी हल्के बंदे ने यार। मैं जानबूझकर लेके गया था कि चल साथ में, क्योंकि एक बंदा चाहिए होता, क्योंकि मेरे को तीन चार बार एंट्री लेनी पड़ती है। अली के इस शो में कल गया था मैं। अली हमारे कॉलेज का मॉडल है, तो वो फैशन शो में अली के पास कोई हेल्पर नहीं था। एज अली इज द शो स्टॉपर ऑफ SKNCOE, तो मुझे अली अपना एज अ हेल्पर लेके गया था। मैं अली को रेडी करने में कामयाब हो गया। अली को मैंने 20 सेकंड में रेडी किया। अली बस अपना फर्स्ट रैंप वॉक करके आया और कपड़े फेंक दिए मेरे ऊपर, और मैंने दूसरे कपड़े अली को पहना दिए। बट इट वॉज अ सक्सेसफुल शो। हालांकि मुझे देखने नहीं मिला शो, क्योंकि मैं बैक स्टेज था, बट आई थिंक नेक्स्ट शो मैं देख पाऊँ अली का। और यहाँ पे मैंने एक कैमरा सेटअप कर रखा है, ये जो कैमरा है ये टाइम लैप्स ले रहा है अली और मेरा, जो हम खाना बना रहे हैं उसका। सो ये भी शायद व्लॉग में आएगा, बट थोड़ा एंड में आएगा। यहाँ पे ये छोटा बच्चा आ चुका है, जो मम्मी खाना बनाते रहती थी, छोटे बच्चे आके बीच बीच में इंटरफेयर करते, ये वही छोटा बच्चा है जो क्या बना रहे हैं देख में। यहाँ पे बनाते बनाते हमें पता चला कि अली के पास लाल मिर्च की शॉर्टेज है, जो मुझे अली ने पहले नहीं बताई। पर ये पैकेट है, अली कुछ जस्टिफाई करना चाहेगा तो खुद को। यार मैं लाल मिर्च खाता नहीं हूँ एक्चुअली, थोड़ा काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। हरी मिर्च का यूज करता हूँ, हमेशा यूज नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे सेवियर मिल गया है लाल मिर्च का। लाल मिर्च लेके आते ये बोला है कि जब हमने एक बार खाया तो उनका पेट खराब हो गया था, हमें नहीं पता कि इस खाने के बाद हमारा क्या हाल चाल होने। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसे भी ब्लॉक कर लूंगा। काम चालू है, बनाने वाला मैं था, सारे काम अली को करवा रहा हूँ मैं। अली ने बहुत सेक्सी सा बनाया, बेटर देन तूरिया मसाला। पत्थर देते खाने तो फाइनली सब्जी बन गई है जो मैंने बनाई है। अली ने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया है, जैसे चीनी लाना, नमक लाना। वैसे मैंने इसमें पूरा मेरा ही था कंट्रीब्यूशन, अली बस बाजू में खड़ा था। पर इट्स ओके, अब क्या है यार, अब मैंने बस मान लिया है, छोटा भाई जैसा है तो ठीक है, इट्स ओके, यानी खिला सकता हूँ मैं खाना। हाउ इज इट? सो इट्स टाइम टू ईट अली, गुड जॉब। देखते हैं कैसा बना है, और ऐसा है कि अगर गंदा भी बनेगा तो कौन सा आपको बताने वाले हैं। काय करतो ये? जब मैं अली के रूम पे, जब मैं बाहर गया, बाहर से वापस आया,
तब मैंने देखा कि अली फिर से कुछ खाना बना रहा, तो शायद अली ने मास्टर शेफ विद अनवर ऑन रिमब्रान एहतिशाम अली को बहुत सीरियसली ले लिया। जब मैं कैमरा लेके अंदर घुसा तो अली अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। अली सच बता, फोन तो नहीं देख रहा था, वो सब उड़ा दिया मैंने कुछ दिन पहले, वो घर वाले आए थे ना मिलने। शिट, मुझे चाहिए था। और मैंने एक हफ्ते से व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रात को अपने एक फ्रेंड को छोड़ने जा रहा था और मैंने वो फ़ोन गिरा दिया रास्ते में कहीं, तो मैं दो दिन बहुत टेंशन में था। और तब मेरे पेरेंट्स आए हुए थे और पेरेंट्स जब थे तब मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि जो उनके साथ टाइम स्पेंड करना था, तो मैंने सोचा कि कैमरा नहीं लेके जाता उनके मुँह पे। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है यार, कभी होता है। इंटरप्ट कर, व्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं। तो दिन भर मतलब बर्बाद करते हैं यार, चलो उनके साथ बर्बाद नहीं करते, सॉरी। चुप रहे। बट थैंकफुली दो दिन बाद मेरा फोन वापस मिल गया एंड काफी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसके कारण रुक रहा, भूल जाता हूँ मैं। और थैंकफुली मेरा फोन दो दिन बाद मिल गया था, आई वॉज लक्की। मेरे फ्रेंड मुझे कॉल कर रहे थे जब मैं खाना खाने बैठा था दोपहर को, एकदम गम में फोन भूलने के। वो भी बोल रहे थे फोन मिला है यार, क्या करेंगे इस फोन का यार, वापस दे देते यार। तो जिस बंदे को फोन मिला था उसने फोन उठाया और कहा कि भैया यहाँ यहाँ फोन मिल चुका है, आप ले जाओ। आई थिंक वो मेरे फोन को यूज करके परेशान हो गया था, साला आप ही रखो ये फोन, मुझे नहीं चाहिए। बट ठीक है, फोन मिल गया है। एंड वन थिंग, आई फाइनली गॉट द गोरिल्ला पॉड आफ्टर डूइंग 7 डे डेली व्लॉग, और मैं उसी गोरिल्ला पॉड पे कैमरा रख के शूट कर रहा हूँ। मैं गोरिल्ला पॉड आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। विद दैट सेड, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कर रहा हूँ व्लॉग 2 मिनट, क्या बोल रहा था मैं।